कि इस बहुत गंदी जगह पे जो है जगह दी गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जिसका जितना जर्फ है वही वही। जी सलाम अलैकुम, आज बहुत ही बुरी जगह दी गई है जलसे के लिए, इसके हवाले से क्या कहेंगे? कितनी गंदी स्मेल है यहाँ। लोगों ने गंदी जगह जी, उनकी सोच गंदी जैसे है वैसे उन्होंने जगह दे दी, लेकिन जो हमारा लीडर है अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों के इसलिए उसकी तरफ देखते हैं, तो हमें ये चीजें कुछ नहीं है। ये लो, ये तो स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ जी हैं, बहुत ज्यादा स्मेल है यहाँ। हाँ जी, हाँ जी भैया। तो क्या समझते हैं, ये ज्यादा नहीं की गई? ज्यादा की गई है जानबूझ के हरकत। ये एक ज्यादा नजर आ रही है आपको, आप जाके देखे रस्ते बांध है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, 6 रस्तों से आने की कोशिश की बांध। ये क्यों इस तरह की जगह के ऊपर जगह दिया है, ताकि कोई रीजनेबल और सोफिस्टिकेटेड लोग ना आए, लेकिन हम फिर भी आए और इंशाल्लाह दोबारा भी आए। क्या नाम है आपका? आपका नाम जुमा। अच्छा, ये जो जगह है यहाँ तो कूड़ा नहीं फेंका जाता? हाँ जी। तो आज इन्होंने यहाँ पीटीआई को कह दिया कि जलसा करें, इधर कूड़ा बहुत आता है, इतनी बाम तंग होकर जा रही है कचरे में गुजर के, इमरान खान के पास, मियां साहब के पास वाम नहीं मुड़ रही, उसने जाना ही जाना। स्मेल बहुत ज्यादा इधर। हाँ जी। किस चीज की स्मेल है ये? कचरे कूड़े की। कूड़े की है ये? हाँ जी। मेरी हमने मुंह पे रुमाल क्यों रखा हुआ है? बहुत आ रही है स्मेल, आ रही है बहुत ज्यादा। आज जो जगह दी गई है ये बहुत गंदी जगह है जलसे के लिए, बहुत। तो आप क्या समझते हैं, ज्यादती नहीं की गई? बहुत ज्यादती। बहुत बहुत। पीटीआई कारकुनान को अपने जलसा घर तक जाने के लिए बेहद गंदी और बदबूदार जगह से इसलिए गुजारा गया ताकि जी अगले जलसे करने तक इन सब कारकुनान को स्टेबल होने में इस जलसा घर का मंजर भी बार बार याद आता रहे और जिन नशीन भी होता रहे, और वैसे भी इस कचरा कुंडी को गुजरगाह बनाने का मकसद ये भी हो कि आंदा के लिए मोहताज हो जाए, हो सकता है कि अगले जलसे की गुजरगाह इससे भी ज्यादा बेहतरीन हो। आशा जी, अब पीटीआई के मुखालफिन को कौन ये समझाए कि मोहब्बत और जंग में जी सब कुछ जायज हो जाता है। बाय द वे, खान के जाले भी अपने कार्ड से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और प्यार करने वाले डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और कमेंट में बताइएगा कि पीटीआई का जलसा कामयाब हुआ या फेल हुआ। और जी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि पीटीआई के जियालों का जज्बा मुखालफिन भी देख सके। और जी वीडियो देखते समय ये दुआ भी जरूर कीजिएगा कि पाकिस्तानियों की किस्मत का बुझा हुआ चिराग कोई तो जला सके, चाहे इमरान खान हो या कोई और।